गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज है खुदा के फजल से इतनी अच्छी अच्छी धूप निकल स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी दिनों बाद धूप निकली है भाई, काफ़ी दिनों बाद। और मैं आ गई हूँ बाहर, लाइट बंद हो चुकी है और नाश्ते की तैयारियाँ चल रही हैं। और टाइम बिल्कुल हुआ है अभी 10:56, 11 बजने वाले हैं और अभी हम लोग नाश्ता करेंगे। और आज है क्रिसमस का थर्ड डे, 27 है आज और बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने क्रिसमस का व्लॉग नहीं बनाया, कल का व्लॉग नहीं बनाया, तबीयत नहीं थी ठीक और वैसे भी बैटरी भी नहीं थी, सो मैंने कहा आज रहने देते हैं। ईव का मैंने व्लॉग बनाया था, आप लोगों ने देख लिया होगा, क्रिसमस ईव का। और भाई बहुत ही ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, लोग मरी किधर जा रहे हैं, इधर ही आ जाएँ, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ठंड है। और बाकी भाई बहुत ज़्यादा ठंड है, अभी नाश्ता करते हैं और आपको नाश्ते में मिलते हैं। भाई अभी वो लोग अपनी रजाई में, मैं अपनी रजाई में और लाइट गई हुई है और ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे हैं। बिल्कुल तो ठंड से हाथ जम रहे हैं यहाँ पे, सो जल्दी जल्दी मामला आते हैं अपना ब्रेकफास्ट और चलो करते हैं। नाश्ता आ चुका है सो चलो करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। धूप का निकलने का फ़ायदा ये हुआ कि हम लोगों ने सारे रजाइयाँ वगैरह और ये अपना कालीन बाहर निकाल लिया, सफाई वगैरह कर रहे हैं हम लोग, दादू वहाँ से कर रही हैं, मामा बर्तन धो रही हैं और हम लोग जो है एनी ने ये वाला बेड भी नीट कर दिया, ये वाला भी कर दिया। हम यहाँ पे कालीन वगैरह लगाते हैं और उसके बाद देखते हैं अपना कैसे रहता। भाई अभी बहुत ज़्यादा ठंड थी, अब कमरे वगैरह के दरवाजे वगैरह खोल लिया तो थोड़ा सा गर्म होने स्टार्ट हो चुके हैं कमरे हमारे। तो ये लड़की जा रही है रेडी होके राइड्स पे, मैं भी जा रहा हूँ। तो अभी मेरी भी टिकट के पैसे लेने जा रही है और फिर हम लोग जाएंगे राइड्स पे। मैं भी सोचे कपड़े वगैरह पहन लूँ फिर जाता हूँ और बैग पैक होके। चलो मैं भी अपने नए कपड़े निकालता हूँ भीड़ से और नए कपड़े पहन के जाते हैं। ओ चलो बैग तो ले लिया, अब इसके अंदर से कपड़े निकालने हैं अपन को। ये रही शर्ट अपनी, नहीं स्वेटर है, नहीं ये वाली नहीं, ये वाला पहन लेता हूँ आज, ये सही रहेगा। तो बाकी ये वाला मेरे पास स्वेटर है तो मैंने सोचा यही पहन लेता हूँ, ये सही भी लगेगा, अच्छा भी है, कलर वगैरह इसका भारी है थोड़ा सा, ठंड भी नहीं लगेगी। तो चलो चलते हैं ये पहन के। हम लोग रेडी हो चुके हैं, अब जाना है हम लोगों को राइड पे, सो चलो चलते हैं, दरवाज़ा खोलो और चलो चलें राइड पे। एनी भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ। और शिट मेरे ग्लासेस रह गए, मैं ग्लासेस पहन यार, बार बार सामान रह जाता है हमारा। तो भाई यहाँ पे अपनी ग्लासेस, चलो पकड़ते हैं इनको और पहनते हैं चलते हैं। तो चलो चले जल्दी से एनी बाहर खड़ी चल। तो भाई हम लोग चढ़ चुके हैं कश्ती पे, चलो बैठते हैं जाके। सो एनी भी आ रही है और फिर हम लोग चलते हैं। अभी कोई भी राइड पे नहीं है और हम लोग पहले आ गए हैं शायद, सो चलाने वाले हैं। तो जब चलाएंगे और फिर आपसे मिलेंगे। बाकी मैं पहले भी आए हैं हम लोग, आप लोगों ने यहाँ से व्लॉग देखा होगा। मैं और एनी इस पर नहीं बैठती क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ भी चलता है और ये डोलता काफ़ी ज़्यादा पीछे वाला झूला। तो चलो, तो भाई हम लोग काफ़ी ज़्यादा लोग आए यहाँ पर, एनी भी और मैं भी। और ये देखो भाई कितना रश है यहाँ पे। जा रहे हैं दुकान पे आलू वगैरह लेने, तो चलो चलते हैं यहाँ से सीधा अब दुकान पे। पर ले लिए समोसियाँ और खाते हैं और फिर चलते हैं घर। बुद्धू घर को आए, हम लोग भी आ चुके हैं वापस और एनी भी, मामा वहाँ पर बना रही हैं आलू वगैरह। तो भाई सुबह से अब लाइट आई है, मोबाइल को लगाते चार्जिंग पे, 2 बजने वाले हैं। सो यहाँ पर मामा लोग बना रहे हैं, तो मामा लोग बना रहे हैं बाहर खाना। और टाइम हो चुका है 4:15 का और ठंड भी हो चुकी स्टार्ट हो चुकी है। आज होगा सही वाला फॉग बिकॉज धूप लगी हुई थी। मैंने यहाँ पे खाई पीनट और साथ में मैं देख रहा हूँ कंप्यूटर और ठंड हो चुकी है। अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना लगा लूँ हीटर ताकि थोड़ा सा गर्म हो जाए ना कमरा वगैरह। तो चलो मैं अभी यहाँ पे पीने लगा हूँ कॉफ़ी, ये दूध ले लिया मैंने और हलवा मेरा गर्म हो रहा है। तो भाई यहाँ पे कॉफ़ी का सैशे पड़ा था, इसको डाल लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे हो चुका है अपना हलवा गरम, तो हलवे के बाद हम लोग इसके अंदर रख देंगे साथ में ही कॉफ़ी
और अभी हलवे को हमने अच्छे से मैश कर लेना है, फिर रियल सी लुक आ जाएगी। वही मैंने अपना इस तरह मैश कर लिया सारा हलवा, इसके साथ इस तरह मुझे बड़ा मज़ा आता है खाने का। और यहाँ पे कॉफ़ी भी अपनी हो गई है गर्म एकदम अच्छे से। सो चलो, तो भाई यहाँ पे मैंने अपनी कॉफ़ी ले ली है और अब जो है इसके अंदर शुगर डालूंगा। चलो खाते हैं पीते हैं जल्दी से। यहाँ पे मैंने अपनी चाय भी पी रहा हूँ कॉफ़ी के बाद, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड भाई और ठंड लग रही थी, मैंने कहा चाय पी लेते हैं। वैसे भी शाम का टाइम है, सर में ना दर्द हो। साथ में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे CID और बाहर चल रहा है जो बाइबल रीडिंग कंपटीशन है, और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। दिल तो कर था जाने का देखने का, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है, तो यही सीन चल रहा है भाई अपना आज का। और बताना कैसा लग रहा है आप लोगों को इतना सा ब्लॉग। बाकी चिप्स वगैरह मैंने खा लिए थे, वो मैं आपको दिखाया नहीं था बिकॉज मोबाइल में बैटरी बिल्कुल भी नहीं थी। तो बताना कैसा चल रहा है आप लोगों का क्रिसमस, और बहुत मज़ा आ रहा है भाई मुझे तो। ये देखो, ये मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई, अभी आया था। और यानी देखो क्या हाल कर लिया इसका। और ये वाला दिया है पापा ने इसको मुझे गिफ्ट, लकड़ी का बैट और बैट बॉल। इसको वैसे भी चाहिए था, काफ़ी दिनों से इसने कहा था पापा को। सो बाकी अभी हैप्पी है। बाकी मेरा तो बैडमिंटन का शौक है, और वो भी वो जो अच्छे वाले होते हैं ज़रा लोहे के मटेरियल के। और ये यहाँ पे शुरू हो गया खेलने वाला, अच्छे मटेरियल के रैकेट्स हों उनका ज़्यादा मज़ा आता है। और ध्यान से क्लॉक पे ना लग जाए, गई पीछे। ओ भाई, इस व्लॉग को करते हैं एंड। और मैंने ऑलरेडी हो चुके हैं 4th ईद डे के लिए, और मैंने अपने कपड़े वगैरह पहन लिए हैं। और बाकी इस व्लॉग को करते हैं, लेकिन जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी लेटर।